सबसे पहले आप सभी फौजी भाई को जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, टीए इंडियन आर्मी की भर्ती 4 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, 5 जगहों पे होगी। कहां पे भर्ती होगी? तो आप लोगों की ये दिवाली खत्म हो गई, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं और आप लोग इतना मेहनत कर दीजिए कि अगली जो दिवाली आप लोगों की हो, बॉर्डर पर बने AK-47 के साथ बने, उस वर्दी में आप अपने को देखो, तब आपको कैसा लगता है। दोस्तों, अगली दिवाली जो मेहनत करेगा, और मेरी तरफ से यही दुआ रहेगी कि आप लोग अगली दिवाली बॉर्डर पे AK-47 के साथ मनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा टीए इंडियन आर्मी भर्ती प्रादेशिक सेना 2024, इसमें समय कितना दिया जाएगा, जो 4 तारीख से भर्ती स्टार्ट है, 5 जगह भर्ती कराई जाएगी, किस किस जगह, कौन कौन से लोकेशन पे भर्ती कराई जाएगी 4 जोन की, तो आप लोगों को पूरी चीज इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आगे कोई अन अपडेट मिले आप लोगों को तो फौरन पता चल जाए। दोस्तों, टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना में आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जरूरी इसमें होता है रनिंग। लेकिन ये रनिंग कब ज्यादा जरूरी होता था दोस्तों? जब पहले टीए इंडियन आर्मी में पेपर नहीं कराया जाता दोस्तों, एग्जाम नहीं होता था, जो रनिंग मारता था वो सिलेक्शन ले लेता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप लोगों का एग्जाम होगा और एग्जाम में भी बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा दोस्तों रनिंग में मेहनत मिलेगा आप लोगों को। रनिंग आप लोग सोचते होंगे यार, कोई 4:40 मारता है, कोई 4:35 मारता है, और हमारी रनिंग कैसे निकल गई? तो ये सोच के मत जाना, जो मेहनत किया होगा वो सारे बच्चे रेस मारेंगे। दोस्तों, यदि आप मेहनत किए हैं, यदि आप सुबह सुबह दौड़ते हैं, आपकी टाइमिंग 5:15 आती है, 5:20 आती है, तो 101% आप वहां पे रेस मारोगे। बस आप अपने दिमाग में यही बसाना कि हमको रनिंग मारना है, क्योंकि सारे धावक 15-20-25 के अंदर जाएंगे वहां पे, क्योंकि एक महीना की टाइमिंग दी जाए गया है, और एक महीना के टाइमिंग में किसी का कितना रेस बन सकता है भाई। टीए इंडियन आर्मी प्रादेशिक सेना में वही लोग जाते हैं जिनकी हाइट कम होती है और जो ओवर एज हो जाते हैं। तो जो ओवर एज हो जाते हैं वो तो रनिंग की तैयारी नहीं किए, क्योंकि उन लोगों को लगता था पिछले 5 साल से भर्ती नहीं आई, तो इस बार भी नहीं आएगी भर्ती। 2019 से टीए इंडियन आर्मी की कोई भर्ती नहीं आई, अधिकारी रैंक को छोड़ के, ठीक है ना? तो उन लोगों को लगता था, लेकिन मैंने हर बार बताया कि भर्ती आएगी और भर्ती आ गई। लेकिन जो लोग बोलते थे कि टीए इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं आएगी, कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, ये लोग झूठ बोलते हैं। आज वो वीडियो बना के और आप लोगों को बताते नहीं भर्ती यहाँ पे है, ये है, वो है, दुनियादारी बताते। तो अब देरी ना करते हुए बात करते हैं दोस्तों, एक कौन सी यूनिट भर्ती कराएगी और भर्ती कहाँ पे होगा, और जिनकी उम्र 31 से 42 साल के बीच में है उनको कितना टाइमिंग दिया जाएगा, और जो 18 से 30 साल के बीच में है उनको कितना टाइमिंग दिया जाएगा, क्या बिम पुलअप्स जो होता है उसमें छूट दी जाएगी जो 31 से 42 साल के उम्र में है, तो वो भी सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। और जो जन्म प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स है जो लोग बनवा चुके हैं वो लोग लेके जाना, और जो अपना प्रोजिस्टर करवा चुके हैं वहां पे वो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स के भी बारे में आप लोगों को मैं बता दूंगा, पिछले कई वीडियो में बताया है, इस वीडियो में भी बता दूंगा। तो जो 4 तारीख से भर्ती स्टार्ट है मेरे प्यारे लाडो, कौन सी यूनिट भर्ती करा रही है उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। तो पहले आपको ये देख लीजिए, इसमें जो टाइमिंग दी जाएगी दोस्तों आप लोगों की, जो 18 से 30 साल के उम्र में हैं, एज में हैं, उनकी 5:31, 5:45, 5:46 तक होगी, और जो 21 से 42 साल के एज में हैं इनकी जो टाइमिंग रहेगी दोस्तों 6:15, 16:30 मिनट तक, यानी 6:30 मिनट तक आप लोगों को टाइमिंग दी जाएगी। ये जो 4 तारीख से भर्ती स्टार्ट होने वाली है, अगर आप अगर आप 42 साल की 31 से 42 साल की उम्र में हैं, तो यदि आप 9 बिम मारते हैं तो आप लोगों को 40 नंबर दिया जाएगा मेरे प्यारे लाडलो। यदि आप 9 बिम मारते हैं तो आप लोगों को 40 दिया जाएगा, और जो 18 से 31 साल वाले हैं इनको 10 बिम मारना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता हो गई। अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यूनिट जो ये 13 यूनिट है, 13 यूनिट भर्ती करा रही है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 यूनिट मिलके आप लोगों की ये भर्ती करा रही है टीए इंडियन आर्मी की, जो भर्ती होगी 4 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला है। वीडियो देख लेना, और आप लोग जिन जगह पे मैं बताऊंगा यहाँ पे भर्ती होने वाला है,
यहाँ पे भर्ती स्टार्ट होने वाला है, तो एक बार आप लोग जरूर जाके सर्च कर लेना कि वहां पे टाइमिंग कैसे दिया जाएगा। बाकी मैं बता दूंगा 4 तारीख को जो टाइमिंग दिया जाएगा कि टाइमिंग क्या दी गई है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को मैं बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक लोकेशन कौन सा है, कहाँ पे भर्ती होगा, तो ये आप लोग देख लीजिए अंडमान निकोबार में जो भर्ती होगी। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मेरे प्यारे लाडलो, अंडमान निकोबार में भर्ती होगी, जो पहली भर्ती होगी 4 तारीख से, जो 4 नवंबर से भर्ती आप लोगों की स्टार्ट है, ठीक है ना। श्री विजयपुरम में आप लोगों की भर्ती होगी अंडमान निकोबार में। अब दूसरी भर्ती, दूसरी वैकेंसी के बारे में चलते हैं, ये वैकेंसी कहाँ पे होगी ये आप लोग देख लीजिए, देवलाली महाराष्ट्र में होगी। सॉरी एक मिनट, सॉरी देवलाली में महाराष्ट्र में भर्ती होगी। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इस लोकेशन पे आप लोगों को 4 तारीख से पहले पहुंच जाना है मेरे प्यारे लाडलो, जो भर्ती थी इंडियन आर्मी की स्टार्ट होने वाली है इस लोकेशन पे। तीसरी जो भर्ती होगी, ये दूसरी भर्ती है दोस्तों, तीसरी जो भर्ती होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो तीसरी भर्ती होगी ये कहाँ पे होगी मेरे प्यारे लाडलो, यहाँ पे ये तीसरी वैकेंसी जो आएगी तीसरी जगह पे, जो 4 तारीख को स्टार्ट होने वाली है भर्ती, ये दोस्तों आप लोगों का होगा बेलागांव में, कर्नाटका में आप लोगों की भर्ती होगी। कर्नाटका में आप लोगों को जाना पड़ेगा दोस्तों 4 तारीख से जो भर्ती स्टार्ट है। चौथी भर्ती जो आप लोगों की होगी, चौथी भर्ती आप लोगों की कहां होगी मेरे प्यारे लाडलो, यहां पे देख लेना, तमिलनाडु में होगी भर्ती आप लोगों की। चौथी भर्ती जो आप लोगों की होगी वो तमिलनाडु में होगी, और जो पांचवी वैकेंसी आप लोगों की होगी, पांचवी भर्ती आप लोगों को होगी दोस्तों, ये कहां पे होगी, ये भी महाराष्ट्र में होगी दोस्तों। दो वैकेंसी आप लोगों की महाराष्ट्र में होगी, कोल्हापुर में होगी दोस्तों, महाराष्ट्र में, ये जो पांचवी वैकेंसी है। तो 5 जगह आप लोगों की जो वैकेंसी है वो स्टार्ट है दोस्तों मेरे प्यारे लाडलो। और आप लोगों को करना क्या है, कैसे जाना है, जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पता है कि 8 की मार्कशीट होगी, तो आप ट्रेडमैन का देख सकते हैं, उसमें काउंटर साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो जिलाधिकारी के द्वारा होता है। और दोस्तों आपका आय जात निवास होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके थाने से बनता है मेरे प्यारे लाडलो, और हाई स्कूल इंटर और क्या नाम है 8 की मार्कशीट होनी चाहिए। हाई स्कूल से भी ट्रेडमैन के देख सकते हैं, जीडी का देख सकते हैं, 8 पास हैं तो ट्रेडमैन का आप लोग देख सकते हैं। आपकी उम्र यदि 18 से 42 साल के एज में है तो आप लोग चले जाना। यहाँ पे जो आप लोगों की टाइमिंग दी जाएगी, टाइमिंग दोस्तों 5 से 45 6 मिनट तक आप लोगों की टाइमिंग दी जाएगी, तो आप लोग टेंशन जरूर मत लेना और ज्यादा से ज्यादा लोग करके वहां पे भर्ती में आएंगे, पर उसको देख के आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना, डीमोटिवेट नहीं होना कि मेरी रनिंग नहीं निकलेगी दोस्तों। और जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को पहली वीडियो में बता दिया, तो जाके देख लेना दोस्तों। कहते हैं घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थककर न बैठे AK-47 के दीवाने AK-47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा। तो आप लोगों की जो भर्ती होने वाली है बहुत अच्छी होने वाली है, और 4 तारीख की जो भर्ती होगी, जो टाइमिंग दी जाएगी, तो मेरे प्यारे लाडलो मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे खासकर यूपी बिहार के लोग, एमपी के लोग, पिथौरागढ़ के लोग, उत्तराखंड के जो आते हैं, तो इन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा वहां पे कैसा क्या टाइमिंग दिया गया है, कैसा कंपटीशन रहा है, उसमें जो मेडिकल वगैरह में क्या क्या देखा जाता है, और रनिंग से पहले क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है, तो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आगे कोई अन अपडेट आए तो तुरंत आप लोगों को पता चल जाए। वहां की जो 4 तारीख की रनिंग होगी, रनिंग की वीडियो लाइव आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, और वहां पे कैसे रनिंग किया गया है, कितने बच्चे पकड़े गए हैं, तो आप लोग उसको देखना जरूरी है। तब तक आप हमारे चैनल पर निरंतर बने रहिए, कल की जो वीडियो आएगी वो आप लोगों की जरूर प्रोवाइड होगी, जरूर मिलेगी। मेहनत ऐसी करो मेरे प्यारे लाडलो की मेहनत को भी पसीना आ जाए। कहते हैं दोस्तों कि तू मेहनत कर, तू कोशिश कर, और सोच की कर पाएगा, और सोच पगले वो मंजर कैसा होगा जब तू इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के अपने घर आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक 4 तारीख की भर्ती में, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, रनिंग की धुआंधार तैयारी कर दो।